आ चुका है, ये इसमें आ चुका है, डी ऑफ वाई बाय एक्स में, डी ऑफ वाई बाय एक्स में आ चुका है ना, ये आ चुका है इतना, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ये आ चुका है। अब हमें पहचानना है ये लगेगा या ये लगेगा, वो क्वेश्चन की शेप पे डिपेंड करेगा कि क्या दे रखा है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, सॉल्व करिए। ये दे रखा है क्वेश्चन उसने, एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स वाई, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई प्लस ए स्क्वेयर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक बार आप है ना इसमें से गो थ्रू हो जाओगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ग्रुप देखना है, कौन सा ग्रुप देखना है, किस फॉर्म का है। दो ग्रुप फेमस है, एक तो वाई डी एक्स वाला, ये एक्स डी वाई वाला, एक तो ये ग्रुप फेमस है, दूसरा ग्रुप ये फेमस है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है। नीचे क्वांटिटी चेंज होती रहेगी, आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इंस्पेक्शन वाला वो बदलता रहेगा। ये आप है ना 16 फार्मूले अपने सामने रखना, 16 फार्मूलों को, और फिर है एनालाइज करना कि कौन सा लग रहा है कौन सा ना लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये एमडी राय सिंघानिया की बुक है, खरीद लो इसको। तो बल्कि जो बंदा है मैथ पढ़ना चाहता है, ये बुक आपको ताउम्र काम आएगी। ओडी है, पीडी है, बड़ी डिटेल दे रखी है, जो आज इसकी लेटेस्ट बुक है, क्योंकि बेस इसी में है सारा। अगर बंदे को बेस आता हो तो अप्लाइड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, क्योंकि अगर ओडी आ गई सीओवी इंटीग्रल में तो कुछ है ही नहीं, है ही ओडी पीडी है। ठीक है, तो ग्रुप बनाओ इसका। हाँ ही आए, ठीक है ना। तो जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे हो, ऐसे मान लो एम डी राजगाणी पढ़ रही है, इस एक्सरसाइज से पहले है, बारीकी से है ना उसके एग्जाम्पलों को देखो कि वो वो हाँ यहाँ पे 2 आना चाहिए ना, अच्छा माइनस माइनस टू ए टू ए स्क्वायर स्क्वायर ठीक माइनस है, माइनस एक्स टू हो स्क्वायर। जाएगा तो 2 आएगा। हाँ जी, अच्छा सर इस एम डी राय सिंघानिया का कौन सा एडिशन है अब जो लेटेस्ट है? लेटेस्ट ले लो, जो भी मिलता है आपको लेटेस्ट। आई थिंक है, कौन 20 है क्या सर? सा एडिशन आ रहा है, किसी के पास है वो लेटेस्ट? 20 19th edition है मेरे पास, तो 19वां एडिशन है। 20 हाँ, है 20th edition आ रहा है, ले लो। और आईआईटी जैम में तो बिल्कुल एक, देखो जिसने आईएएस की तैयारी करनी है, सारा एक एक क्वेश्चन इसमें से आता है ओडीपीटी का। किसी ने आईआईटी जैम की तैयारी करनी है तो हेल्प करेगी ये, नेट की तैयारी करनी है तो हेल्प करेगी ये बुक, हर जगह काम आएगी आपको। और ओडीपीडी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिससे आप बच नहीं सकते, ये काम आते ही आते हैं, कहीं ना कहीं यूज होते ही होते हैं, तो जितना कर लोगे उतना अच्छा है। क्योंकि नोट्स में इतना कुछ लिखा होता, हम नोट्स के पीछे भागते हैं भी, नोट्स में है नोट्स में है नोट्स में है, नोट्स वाले कहाँ से चेपते हैं, यहीं से चेपते हैं बुक्स से, सारी की सारी एक्सरसाइज। तो एक एक दो दो बुक तो है ना हर सब्जेक्ट की, हमारी टेबल के ऊपर पक्का होनी चाहिए। क्योंकि मैंने शुरू से इस बात पे जोर दिया हुआ है कि बुक तो जरूर लो। तो ये टॉपिक हमारा खत्म है, कल से हम इसको आगे से करेंगे ओडी, इसके जो आगे के मेथड है। तो यहां तक आप प्रैक्टिस करिए, कल
कल मैं एक दो क्वेश्चन इसके अच्छे अच्छे जो गेट नेट में आए हुए हैं वो लगाऊंगा, उनको सॉल्व करना। ठीक है, तो हम मिलते हैं कॉम्प्लेक्स के लिए फिर साथ में इसको। चलो आज बाद मिलते था, अरे ऑफ कर तो दिया था मंडे को पुष्पा। अब याद आया। एक होती है सर्कल, सर्कल में क्या होता है? सर्कल है, सेट होता है उन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अगर इसमें से जेड नोट सबट्रैक्ट किया जाए आर मोड, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। तो सर्कल में क्या होता है? सेंटर तो है जेड नोट, सेंटर जेड नोट है, आपने जेड नोट बना दिया सेंटर, और रेडियस आर बनाई, ये रेडियस आर है। तो रेडियस आर का वो सेंटर जेड नोट का ये ड्रॉ किया, बल्कि मैं इसको ना ब्लैक, मैं इसको रेड नहीं करता क्योंकि मैं रेड पॉइंट इंडिकेट करना चाहता हूँ किसके लिए, मैं इसको ब्लैक रखता हूँ। तो ये है सेंटर है, ये आर है, आर इतना है जो सेट आएगा, ये सेट बड़ा है, इसमें केवल बाउंड्री बाउंड्री के पॉइंट आएंगे। मतलब ये सर्कल की इक्वेशन होती है। कल कोई पूछ रहा था कि इसका सेंटर कैसे निकाल दिया जी, माइनस करके रेडियस कितनी आर कैसे ले ली। ठीक है, तो इस सर्कल की जैसे बाउंड्री बाउंड्री होती है, जैसे चूड़ी होगी कड़ा हो गया, ठीक है, तो वो सर्कल की बाउंड्री बाउंड्री होती है। मीस है, बिल्कुल मुझे याद आ गया मेरे कड़े से। देखो जैसे ये मेरा कड़ा है, ठीक है, तो कड़ा है जो ये है, सिर्फ ये बाउंड्री बाउंड्री है इसके पास, ओनली बाउंड्री बाउंड्री। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास है सर्कल की इक्वेशन। फिर उसके बाद है ओपन डिस्क होती है। ओपन डिस्क हम किसे कहते हैं? ओपन डिस्क क्या बनेगी? जैसा नाम बता रहा है डिस्क, इसमें जो सेट बनेगा वो ये बनेगा, इसमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। सच दैट सर्कल की इक्वेशन तो लिखेंगे, लेकिन सिर्फ है ना इसमें इंटीरियर आएगा, इंटीरियर। मतलब अब क्या होगा, ओपन डिस्क में बाउंड्री नहीं होगी, सेंटर आएगा, अंदर का सारा पोर्शन आएगा, मतलब ये इंटीरियर, इंटीरियर आएगा, बाउंड्री नहीं होगी इसके पास, इसे बोलते हैं हम ओपन डिस्क। एक होती है क्लोज डिस्क, क्योंकि ये वर्ड आपको ध्यान रखने ये काम आएंगे अब। एक होती है क्लोज डिस्क, अगर क्लोज डिस्क का सेंटर बनाओ, सॉरी सेट बनाओ, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे जेड माइनस जेड नोट। इसमें क्या आएगा? इंटीरियर तो आएगा ही आएगा, साथ में बाउंड्री आएगी। ठीक है, इसमें क्या आता है? ओनली इंटीरियर। ऑफ सर्कल, सर्कल का जो इंटीरियर पार्ट है वो आता है। इसमें क्या आती है? ओनली बाउंड्री ऑफ सर्कल, जैसे चूड़ी कड़ा ये सब थे, चूड़ी मजा ना देगी, कंगन मजा ना देगा, तेरे बगैर साजन सावन मजा ना देगा, है ना। क्लोज डिस्क क्या होगी? क्लोज डिस्क
इसमें बाउंड्री तो आ जाएगी और साथ में क्या आएगा, इंटीरियर आएगा। क्या क्या आता है इसमें, दो चीजें आती हैं, कौन कौन, एक तो बाउंड्री प्लस में इंटीरियर, ये दोनों आएंगे तो वो हो जाएगी क्लोज डिस्क। जैसे हमारी रोटी है, ठीक है, तवा हो गया जिसपे रोटी बनाते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो आप दे सकते हैं। समझ आ गए भाई तीनों पॉइंट, ये अंडर द रूट एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू आर, ये है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, तो ये क्या है, ये सर्कल ही तो है। सेंटर कहां पर है इसका, एक्स नॉट वाई नॉट पर। अगर सेंटर ओरिजिन होता तो ये इक्वेशन क्या बन जाती, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अगर इंटीरियर दिखाना हो, इंटीरियर दिखाना हो कैसे शो करोगे, एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर, ठीक है। ये कैसा है, ओपन ओपन है, ओपन डिस्क है। ये क्या है, ओपन डिस्क है। ये क्या है, बाउंड्री है। और अगर आप ये दिखाते हो, ये कौन सा डिस्क है, क्लोज डिस्क है। अगर मैं रिवर्स लिख दूं, ये इसको क्या पढ़ेंगे, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। इसको क्या पढ़ेंगे, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, जिसका सेंटर कितना है, जेड नॉट है। रेडियस कितनी है, आर है। मतलब उन सभी पॉइंट की कलेक्शन आएगी जो बाहर है, जैसे सन रेज है बाहर। समझ आ गए भाई, यस सर। ये डेफिनेशन क्लियर है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वाला आ गया ये फॉर्मूला। सर ये जो रियल नंबर है उसमें भी इक्वेशन तो यही आता है सर्किल का, तो ये दोनों रखा जाए तो सर एक ही है। मतलब इसको मैं कॉम्प्लेक्स वाले में भी इसको ड्रॉ तो नहीं किया जा सकता ना सर, कहीं अलग से सेम वही चीज आएगी जो उसमें आती है, एक्सिस ही होता है, तो अलग से कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते ना इसको सर। ये जो ये रियल सर्कल है, ये रियल सर्कल कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ हो जाएगा, आर स्क्वायर में ड्रॉ हो जाएंगे सारे सर्कल। सर वो यहाँ आर क्या है, आर पॉजिटिव क्वांटिटी है। जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में है, क्योंकि टू डायमेंशनल फिगर है सर्कल, वही डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हो गया। हाँ, पर ये फिक्स रहता है ना फिक्स पॉइंट से। सर्कल की डेफिनेशन क्या है, जेड। सर्कल की डेफिनेशन ये है ना, अगर आप सर्कल की डेफिनेशन के ऊपर ही बात करें केवल, सर्कल की डेफिनेशन ये है, देखो सर्कल में क्या होता है, एक तो होता है फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट होता है। अब इस प्लेन में कितने पॉइंट है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट है। ये प्लेन है पॉइंटों से भरा पड़ा है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट है इस प्लेन में, आसमान में इनफाइनाइटली मैनी स्टार्स है। हमें कौन कौन से पॉइंट कलेक्ट करने हैं जो इस फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस की है, मतलब हमें वो पॉइंट कलेक्ट कर लेने हैं। तो वो पॉइंट कलेक्ट करके उनका लोकस देखना है और उनको ज्वाइन कर देना है, तो सर्कल बन जाएगा। मुझे ये पॉइंट नहीं लेना, मुझे ये पॉइंट नहीं लेना, तो मुझे पॉइंट वो लेने हैं जो, क्योंकि ये पी पी मूवेबल पॉइंट है, ये एक्स वाई, ये फिक्स पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट। मैं डिस्टेंस नापूंगा डिस्टेंस फार्मूले से, अगर आर है तो इस पॉइंट को शामिल कर लूंगा। अब इस पॉइंट से डिस्टेंस नापी, आर नहीं है तो इसको नहीं शामिल करूंगा, तो ये पॉइंट शामिल होंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में इसको क्या कह दूंगा, जेड एक्स प्लस आई था भाई, इसको क्या कह दूंगा मैं फिक्स पॉइंट को, जेड नोट। बस बात वही है,
तो यहाँ इक्वेशन है छोटी होगी, ये लिखी है कहीं पर इक्वेशन ऑफ सर्कल है, बस समझ जाना आप इक्वेशन ऑफ सर्कल है। सर आर तो पॉजिटिव ही है सर। हाँ आर यहाँ पर पॉजिटिव ही है। अच्छा सर वो इमेजिनरी सर्किल भी तो सर बनता है जैसे एक्स स्क्वायर, इमेज सर्कल ड्रॉ नहीं किया जा सकता, वो ड्रॉ नहीं किया जा सकता, इमेजिनरी नहीं से बनेगा सर, वो ड्रॉ नहीं किया जा सकता। अगर रेडियस आपकी नेगेटिव होती है उसको ड्रॉइंग बनेगी नहीं, ठीक है। ये तो हमें 2D में दिखेगा सर। एक बार सर्कल की डेफिनेशन समझाना दोबारा। सर्कल की डेफिनेशन ये है कि ये उन सभी पॉइंट की कलेक्शन होती है। क्या है, क्योंकि ये सेट है ना पूरा, सर्कल की डेफिनेशन में क्या आती है, एक सेट है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स है जो कैसे मूव कर रहे हैं, विच मूव्स इन द प्लेन सच इमेज दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। ओके थैंक यू सर। ठीक है ना, तो वही है सर। अब जैसे है गाय है, खूंटे बांधी हुई है यहाँ पर गाय, तो जो है ना वो घूमेगी गाय, ऐसे कस के रस्सी पकड़ रखी है उसने, ऐसे घूमेगी सर्कल में, सर्कल में घूमेगी वो, ठीक है। जैसे टायर में है टूंटी, टूंटी को निकाल दिया जाए, उसको टैप को निकाल दिया जाए, ठीक है, तो वहां से वो पंचर हो जाता है, या कई टायर में पंचर ही हो जाए, तो पंचर डिस्क में क्या है, कहीं भी पंचर हो सकता है, लेकिन इसमें कहां लेते हैं पंचर, हम सेंटर लेते हैं, सेंटर में पंचर लेते हैं, सेंटर को शामिल नहीं करते। पंचर डिस्क की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ये बनेगी जेड माइनस जेड नॉट का मोड लेस देन इक्वल टू आर और ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। और ये भी बन सकती है जेड माइनस जेड नॉट का मोड लेस देन आर ग्रेटर देन जीरो। पहले वाली तो है, देखो ये तो क्लोज से बनाई है, दूसरे वाली बनाई है मैंने ओपन से। अगर मैं सेट बनाऊं, सेट है दो बनेंगे, पहला सेट क्या बनेगा, पहला सेट पहला सेट आप बनेगा, इसमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे सच दैट जिनकी डिस्टेंस है पॉजिटिव है और लेस देन इक्वल टू आर है। ये सेट है, ये सेट किसको इंडिकेट करता है, इस सेट में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, अगर आप इसका फिगर आउट करोगे, इसका फिगर आउट ये होगा सिर्फ ऐसा सेंटर नहीं आएगा, सेंटर को छोड़कर बीच का सारा पोर्शन आएगा, मतलब विदाउट सेंटर हो ये सारा पोर्शन है, ये सारा पोर्शन है, ठीक है ना। तो ये आएगा, एक मिनट, क्या इसमें सेंटर होगा, बता सकते हो क्या होगा, क्या होगा, नहीं होगा सर, हाँ जी नहीं होगा सर, जीरो तो तभी वो होगा ना जब एक्स एक्स नॉट के बराबर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर अगर मैंने इसमें, अगर मैंने इसमें एक्स नॉट रख दिया तो जीरो ग्रेटर देन जीरो है, ये फॉल्स हो जाएगा, समझ आ गई। हाँ जी, जो आपने सेंटर में बोला तो ये कहीं और भी हो सकता है ना, लेकिन जो हम पंक्चर डिस्क में है, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में है, यहाँ सेंटर को हटाते होते हैं बस, नहीं सेंटर तो हटाते, बट वैसे तो अगर देखा जा सकता है कहीं भी हो सकता है पंक्चर तो, हाँ पूरी पूरी जो हमारे पास ये डोमेन है कहीं भी हो सकता है ना सर वैसे तो, हाँ बिल्कुल, मतलब एक एक पार्ट हटा दे उसका, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं, पंक्चर डिस्क का मतलब है विदाउट सेंटर बस, हाँ यहाँ पे भी विदाउट सेंटर हो जाएगा, हाँ बिना सेंटर की डिस्क है, ठीक है, जिसके पास सेंटर नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसकी जगह जेड नोट रखूंगा, जेड की जगह ठीक है, ऊपर वाला तो होल्ड करेगा, नीचे वाला नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ क्या है जीरो लेस देन जीरो फॉल्स हो जाएगा, तो ये क्या है विदाउट सेंटर है। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया कि बन जाएगा सेंटर, क्या विदाउट सेंटर कोई चीज कैसे पॉसिबल हो जाएगी, ऐसे ऐसे डायग्राम में पढ़ेंगे भाई, यहाँ पंचर है,
वो तो रेगुलर फिगर हो गया, कहीं भी हो गया। ये तो हम ना स्टैंडर्ड नोटेशन पढ़ रहे हैं, जो स्टैंडर्ड आपका एलिप्स भी हो सकता है अंडा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। समझे? तो सिर्फ मीनिंग पे जाओ, मीन से बनाओ एनुलस। बस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, एनुलस में कौन से पॉइंट की कलेक्शन आती है, वो पॉइंट आती है कॉम्प्लेक्स की, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं इसमें सच दैट। जब मैं जेड माइनस जेड नोट का मोड देखूं, आर से तो आर वन से तो ग्रेटर हो और आर टू से लेस हो। अब ये कई तरह का बनेगा, ठीक है, कई तरह का बनेगा। ये तो हो गया पहली तरह का। दूसरी तरह क्या बनेगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड माइनस जेड नॉट का मोड, मोड जरूर रखना है बीच में क्योंकि रियल क्वांटिटी कंपेयर होती है, कॉम्प्लेक्स नहीं होती। एक जगह है, दोनों जगह आप है बाउंड्री शामिल कर लो दोनों जगह। तीसरा एस थ्री, उन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर की कलेक्शन आएगी जो क्या होंगे, ग्रेटर देन आर वन, लेस देन इक्वल टू आर टू। और जो फोर्थ में है, उन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर की कलेक्शन आएगी जो ग्रेटर देन इक्वल टू आर वन है, लेस देन आर टू है। ये सारे एनुलस बनेंगे जितने भी हैं, सारे एनुलस के डायग्राम में। अब यहां आर वन और आर टू क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव रियल नंबर है। अगर मैं पहले का डायग्राम बनाऊं कैसे बनेगा, ये अगर आधे पार्ट को देखूं, ध्यान दीजिएगा इस पे, आधे पार्ट पे क्या बनेगा, एक्सटीरियर टू सर्कल आर वन, एक्सटीरियर टू सर्कल जिसका सेंटर क्या है, जेड नोट है, रेडियस आर वन है। दूसरा डायग्राम क्या है, अगर आधा पार्ट पढ़ू मैं, दूसरा डायग्राम क्या है, एक ऐसा सर्कल का इंटीरियर, एक ऐसे सर्कल का इंटीरियर जिसका सेंटर क्या है, जेड नोट है और रेडियस क्या है, आर टू है। तो अगर मैं एस वन को बनाना स्टार्ट करूं, पहले एक पार्ट का बनाऊंगा फिर दूसरे पार्ट का, मान लो मैं पहले फर्स्ट पार्ट का बनाता हूं, तो सेंटर लीजिए आप जेड नोट लिया प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, रेडियस ली आर वन, डॉटेड में ड्रॉ कर दो, किया। तो कौन कौन से पॉइंट आएंगे अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं, ठीक है ना, क्योंकि आर वन लेस देन है, सॉरी आर वन से ग्रेटर है जेड माइनस जेड नोट, ये एक्सटीरियर टू सर्कल है। अगर एक पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि टेस्ट पॉइंट लगाते हैं ना, या तो सर्कल के अंदर का आएगा, सर्कल के बाहर का आएगा। अब सेंटर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब बाहर का आएगा, तो ये क्या है, किन पॉइंट की कलेक्शन आएगी, जो बाहर किस पॉइंट है, सॉरी इस प्लेन में, सॉरी बाहर के, ठीक है, उन सभी की ये कलेक्शन बन जाएगी, ब्लैक पॉइंट्स जो मैंने ड्रॉ किए हैं। और इसकी रेडियस कितनी थी, आर वन थी, रेडियस थी आर वन, ये वाली लेंथ थी आर वन, ठीक है। अब दूसरे सर्कल में क्या होगा, दूसरे सर्कल में है जो मैंने ये बनाया हुआ है, ये सेंटर क्या है, जेड नोट है, रेडियस अब कितनी है, आर टू है, और ऑब्वियस है आर टू आर वन से बड़ी है। मान लो आपका कुछ कुछ ये है, मैं रेड से बनाता हूं, ये है सेंटर तो वही है, कंसेंट्रिक सर्कल है, ये सेंटर कॉमन है, दूसरा सर्कल ये है, रेडियस कितनी है इसकी, आर टू है, ठीक है। और ये भी ओपन बनेगा, ये भी ओपन बनेगा, मैंने क्लोज बना दिया, ये बिंदिया 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 बनेगी, ओपन बनेगा, गलत बना दिया मैंने, क्या बनेगा, ये बिंदिया बिंदिया बनेगी, बिंदिया चमकेगी, देखो ना,
तो ये सर्कल के अंदर के पॉइंट आएंगे, अंदर के सारे अंदर के पॉइंट इक्लेक्शन आएगी। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, अब हम वो पोर्शन लेंगे जिसमें पहले सर्कल के तो बाहर के आए और दूसरे सर्कल के क्या आए, अंदर के आए। सेंटर है, कंसेंट्रिक सर्कल है, जेड नोट ही रहेगा। पहले सर्कल के तो क्या है, बाहर के, और दूसरे सर्कल के अंदर के पॉइंट। तो कौन सा पोर्शन आएगा एनुलस में अगर एस वन का डायग्राम बनाया जाए, ये आएगा। ठीक है, बेरिंग, बेरिंग देखे होंगे आपने, मशीनों में डलते हैं। ठीक है, हम खेलते भी थे गेरा बना के, छोटे बच्चे होते थे, बड़ा मजा आता था, तार का गेरा बना के खेलते थे। आउट करें इसको, ये क्या होता है, विदाउट बाउंड्री होता है, बगैर बाउंड्री के जो सेट होता है वो ओपन सेट कहलाता है। मतलब इसमें क्या होता है, या तो केवल इंटीरियर होता है या केवल एक्सटीरियर होता है। तो S1 बताओ ओपन है क्या, बताना जरा। S1 ओपन है क्या, S1 ओपन है बगैर बाउंड्री के है। और क्लोज सेट का मतलब क्या होता है, विद बाउंड्री। मतलब हम डेफिनेशन नहीं कर रहे हैं, हम इसको मोटे तौर पे कर रहे हैं, पहले हम इसको मोटे तौर पे डायग्राम देख के कर रहे हैं बस। जस्ट क्लोज सेट की सी में डेफिनेशन क्या होगी या आर स्क्वायर में, विद बाउंड्री। एस टू के बारे में क्या ख्याल है, क्लोज्ड सेट, क्लोज्ड है। और एस थ्री के, एस थ्री के बारे में क्या ख्याल है, ये इंटरवल की तरह नहीं होता। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, एस थ्री को बोलेंगे नाइदर ओपन नाइदर क्लोज। हाँ, और एस फोर को वो भी वही होगा, तो भी ऐसे ही होगा, नाइदर ओपन नॉर क्लोज। हाँ, बस ये मोटे तौर पे जो डेफिनेशन आपने ये याद रखनी है, जो मोटे तौर पे डेफिनेशन है पूछिए, याद रखनी है। क्या डेफिनेशन याद रखनी है, एक तो ओपन सेट की, ओपन सेट होता है बगैर बाउंड्री, और क्लोज सेट होता है, ये सिर्फ आर स्क्वायर में या सी में ध्यान रखनी है आपने, आर स्क्वायर में या सी में, दो जगह। किसी सेट के पास है बाउंड्री ना हो तो वो ओपन बनेगा ही बनेगा। क्लोज क्या होगा, जो बाउंड्री के साथ हो तो क्लोज बन जाएगा। तो ये तो क्या है, S1 के बारे में क्या है, ओपन है, और S2 के बारे में क्या विचार है, क्लोज है। जो S3 और S4 है, नाइदर क्लोज नॉर ओपन। ठीक है, ये मोटे तौर पर आपको डेफिनेशन में ध्यान रखनी है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, डेफिनेशन आप पढ़ लोगे डेफिनेशन, लेकिन आपको सिर्फ है आर स्क्वायर में एक खास बात होती है, ये ध्यान रखनी है बातें। समझ आई भाई, सेट है ये भी क्लोज है, सिर्फ क्लोज तो है, बट जो बाहर के पॉइंट है उनके देखा जाए, बाहर तो अंत ही नहीं है, बाहर तो हम रुकेंगे नहीं कहीं भी। हाँ, वही तो ना, एक और डेफिनेशन होती है जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाए, एक डेफिनेशन ये भी होती है क्लोज की। क्या डेफिनेशन होती है, वो ज्यादा अच्छी लगेगी यहाँ पर, एस इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ एस कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। अब बाहर वाला सेट है, बाउंड्री है और बाहर वाला है, मैं देखना चाहता हूँ क्या क्लोज है, इसका कॉम्प्लीमेंट देख लो, कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, अंदर वाला आएगा, वो क्लोज जाएगा, वो ओपन बन जाएगा, क्योंकि सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, अंदर वाला, इंटीरियर ऑफ सर्कल बनेगा, और इंटीरियर ऑफ सर्कल क्या है, ओपन है, तो ये सेट क्या बन जाएगा, क्लोज बन जाएगा। अच्छा, इस सेट के बारे में क्या विचार है बताना,
कैसा सेट है ये? ओपन है सर। ओपन है हाँ, क्योंकि इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? ये तो ऐसा है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट बनेगा बाउंड्री और अंदर वाला पोर्शन, क्लोज है, क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एस क्या है? यहाँ ओपन है, एस एस ओपन है। जी जी जी, ठीक है। कन्वेक्स सेट एक होता है और एक होता है कनेक्टेड सेट, दोनों में फर्क है। हम आर स्क्वायर में पढ़ रहे हैं, हम पहले मोटे तौर पे पढ़ रहे हैं, मोटे तौर पे। मोटे तौर पे कैसे पढ़ेंगे हम कन्वेक्स सेट में? हम सेट के ना कोई दो पॉइंट उठाएं, क्या उठाएंगे? दो पॉइंट उठाएंगे, कौन कौन से हैं? जेड वन जेड टू, दो पॉइंट उठाएंगे सेट के, सेट में से। ठीक है, ज्वाइन ज्वाइन देम बाय स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो। तो एस क्या होगा? कन्वेक्स होगा कब? इफ एंड ओनली इफ दैट लाइन लाइज कंप्लीटली विद इन द सेट। वो लाइन है पूरी की पूरी सेट के अंदर होनी चाहिए, कन्वेक्स होगा। अगर वो लाइन सेट के अंदर लाई नहीं कर रही तो कन्वेक्स नहीं होगा, सीधी सी बात होती है। ठीक है, अगर वो लाइन है सेट से बिलोंग कर रही है, सेट के अंदर है, तो कन्वेक्स होगा, अगर नहीं कर रही है तो नहीं होगा। तो यहां किससे चलना होता है आपको? स्ट्रेट लाइन से। की पॉइंट है यहां स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो किसी भी सेट को कन्वेक्स चेक करने का ये तरीका होता है, ये रूल होता है। ठीक है, मान लीजिए अमीबा है, अमीबा की शेप ये अमीबा है, उसकी बॉडी है ये। ठीक है, मैं ये चेक करना चाहता हूं क्या ये कन्वेक्स है? ठीक है, ये चेक करना चाहता हूं क्या ये सेट कन्वेक्स है। अब मान लो एक बच्चे ने, फॉर एग्जांपल है, आलम ने सोचा कि सर जेड वन तो ये ले लो और जेड टू ये ले लो और आप जाओ यहां से यहां तक, वो स्ट्रेट लाइन है, इसी सेट के अंदर है। ठीक है, हमें तो क्या ढूंढनी है? ये आर्बिट्री पॉइंट होते हैं सेट के, इसके लिए तो ट्रू हो रही है। लेकिन अगर मैं ये लू जेड वन और ये जेड टू लू, अगर मैं यहां से सीधा स्ट्रेट लाइन के थ्रू चलना होता है, स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तो स्ट्रेट लाइन के थ्रू चला तो ये स्ट्रेट लाइन है, कंप्लीटली सेट में नहीं है, क्योंकि ये वाला पोर्शन है जो बाहर है। ठीक है, तो ये सेट कैसा है? नॉट कन्वेक्स, ये सेट नॉट कन्वेक्स है। ठीक है, कनेक्टेड में क्या करना होता है? कनेक्टेड में करना होता है तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है। लेट जेड वन जेड टू, जेड वन जेड टू ये आर्बिटरी पॉइंट उठाते हैं सेट के। ठीक है, ज्वाइन देम बाय ए पॉलीगन, पॉलीगन लाइन। तो यहां पॉलीगन लाइन से चलना होता है। ठीक है, तो एस इज कनेक्टेड, एस इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ दैट पॉलीगन लाइन। देखो वहां स्ट्रेट लाइन है, यहां पॉलीगन लाइन है, लाइज
कंप्लीटली विद इन द सेट। ठीक है, अब मान लो यहां से यहां जाना है हमने, पॉलीगन लाइन से जाना है, तो कई ऑथर इसको यूज करते हैं बाय एनी कर्व भी, कई ऑथर है इसको पॉलीगन लाइन की बजाय यहां यूज करते हैं एनी कर्व भी। पॉलीगन लाइन का मतलब ये होता है ना, कोई पॉलीगन ऐसे स्ट्रेट लाइन से जो फिगर बनी होती है ऐसे, ये तो जाने के रास्ते देखो कितने थे, यहां चले, यहां चले, यहां चले, पहुंच गए। तो ये सेट कैसा है, कनेक्टेड है। ठीक है, मोटे तौर पर आर स्क्वायर में और सी में मोटे तौर पर कोई सेट है कनेक्टेड कब होगा, जब वो सिंगल पीस में नजर आए। प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है ये, किस में नजर आए वो, सिंगल पीस में, मोटे तौर पर ये डेफिनेशन है। मतलब सिंगल पीस में कोई चीज नजर आ रही है तो वो क्या है, कनेक्टेड है। प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है ये, फिर बता रहा हूं, ये सिर्फ है मोटे तौर पर जब हम यूज करते होते हैं तो है। ठीक है, तो कन्वेक्स और कनेक्टेड में अंतर समझ आया। ठीक है ना, मोटे तौर पे अंतर समझ में आया। यस सर, यस सर, सर एक बार दोबारा सर करना क्लियर, सर नेटवर्क नहीं आ रहा था। यस, सिंगल पीस क्या सर आपने बताया, भाई सिंगल पीस जैसे बर्फी का पीस सिंगल, एक कनेक्ट तो हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि एवरी कन्वेक्स सेट कनेक्टेड होता है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन को पूरा करेगा वो। कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, जो कन्वर्स है वो क्या है, नीड नॉट टू बी ट्रू। मतलब कनेक्टेड सेट है, कन्वेक्स सेट को इंप्लाई नहीं करता। कनेक्टेड सेट क्या हो सकता है, मे बी कन्वेक्स और मे नॉट बी कन्वेक्स, दैट इज कनेक्टेड सेट मे और मे नॉट बी कन्वेक्स। जैसे पिछले वाला कनेक्टेड सेट क्या था, कन्वेक्स नहीं था, जो मैंने ये अमीबा बनाया था, ये वाला सेट क्या था, कनेक्टेड था, बट नॉट कन्वेक्स था, कनेक्टेड था बट नॉट कन्वेक्स था। और ये वाला डायग्राम है, ये वाला सर्कल का इंटीरियर और बाउंड्री क्या है, बहुत कनेक्टेड एंड कन्वेक्स है। ठीक है, तो कोई कन्वेक्स सेट हो गया तो कनेक्टेड पक्का होगा, लेकिन अगर कनेक्टेड सेट हो वो कन्वेक्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जैसे ये कनेक्टेड है बट कन्वेक्स नहीं है, ये कनेक्टेड है कन्वेक्स है। समझ आ रही है बात भाई, जो न्यू स्टूडेंट है उनको, जो इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है वो कॉन्वेक्स सेट नहीं होता ना सर। हाँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ, कॉन्वेक्स सेट नहीं होता लेकिन सिर्फ है, ये रेड रेड सेट है, ये सर्कल है, ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है जो आपने सही बोला है, क्या ये कन्वेक्स होगा बताओ, नहीं होगा, नहीं होगा। कन्वेक्स क्यों नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन से जाना पड़ेगा हमें, कहां से कहां तक, इसके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, और वो स्ट्रेट लाइन है, इसकी बाउंड्री पे होनी चाहिए, नहीं है। तो ये क्या है, नॉट कन्वेक्स है। क्या ये कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड है, कनेक्टेड में तो बाय एनी कर्व जाना है, इसी से चले जाओ, तो ये कनेक्टेड है। जो पॉलीगन कहा गया था, पॉलीगन तो फेल हो जाएगा सर, पॉलीगन से कैसे, पॉलीगन फेल नहीं होगा, मतलब आप छोटी छोटी लेंथ चलेंगे ना,
राइट साइड लेनी पड़ जाएगी, छोटी छोटी लेंथ, क्योंकि पॉलीगन से सर्कल बनता है जब लिमिट एंड टेंड टू इनफिनिटी करता है ना पॉलीगन में, सर्कल बनता है। ठीक है, जो सर्कल की बाउंड्री क्या है, नॉट कन्वेक्स है बट कनेक्टेड है। पता नहीं जिसकी तरफ से आवाज आती है क्यों खोलते हैं, क्या मजा आता है, खुद तो डिस्टर्ब होते ही हैं बाकियों को डिस्टर्ब करते हैं। इनको म्यूट रखना चाहिए ना, अगर इनके अंदर थोड़ी बहुत ही सेंस है तो। अगर ये तो यहां से पता चलता है ये लोग किस प्रवृत्ति के हैं, तो इनको खुद ही करना चाहिए भी मेरी तरफ से शोर आ रहा है, आवाज आ रहा है, मैं औरों को इम्प्लाई नॉट कन्वेक्स सेट, ये ट्रू है। अगर कोई सेट है कनेक्टेड ही नहीं है तो कन्वेक्स नहीं होगा, इसका कन्वर्स है नीड नॉट टू बी ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। क्योंकि नॉट कन्वेक्स सेट है, नॉट कनेक्टेड को इंप्लाई नहीं करता, ठीक है, नॉट कन्वेक्स सेट में और में नॉट बी नॉट कनेक्टेड। ठीक है, क्या आपका नॉट कन्वेक्स सेट है, जो कन्वेक्स सेट नहीं है वो कनेक्टेड हो, हमने एग्जांपल देखा था पीछे, क्या आपका नॉट कन्वेक्स सेट है नॉट कनेक्टेड भी हो। अब ये अमीबा पीस है ना, ये कनेक्टेड है, कुछ भी नहीं है, तौर पर मोटे तौर पर कि आप है सेट का फिगर बना लो, आप है गिवन सेट का डायग्राम बना लो, क्या करो, ड्रॉ फिगर ऑफ गिवन सेट, आपने फिगर ड्रॉ किया दिए हुए सेट का, अगर वो दिया हुआ सेट है एक ओपन डिस्क ऑफ फाइनाइट रेडियस में आ जाए, इफ दिस फिगर लाइज कंप्लीटली within an open disk of finite radius, then this set is open, then the set is bounded, open bounded, ठीक है, if not so then unbounded, if not so then unbounded, मोटे तौर पर जो डेफिनेशन ये है। ठीक है, अब आपको कुछ सेट बना के दिखाए थे मैंने, अब ये बनाया था मैंने सर्कल, ये बताना बाउंडेड है अनबाउंडेड है, एक बनाया था मैंने ये, बताओ कैसा सेट है, पहला सर बाउंडेड है दूसरा अनबाउंडेड, हाँ पहला बाउंडेड है दूसरे वाला अनबाउंडेड है, क्यों, क्योंकि इसके चारों तरफ एक ओपन डिस्क बनानी है, फाइनाइट रेडियस की बनानी है वो, तो ठीक है यहां तो बन जाएगी फाइनाइट रेडियस में आ जाएगी, लेकिन यहां अगर आप बनाने की कोशिश करोगे आप कहोगे सर मैंने तो ये बना दी और फीलिंग वेरी हैप्पी, लेकिन ये सेट यहां थोड़ी रुकेगा, ये लाइन तो क्रॉस करके इसको पार करके चली जाएगी, आपकी जो फीलिंग्स है भावना उसको दमन करके चली जाएगी, ये गई ये गई, ठीक है, फिर झटका लगेगा, रोना आएगा, ठीक है ना, आप कहोगे सर ले बना दिए एक और,
क्या रोक पाओगे इसको, क्या इस आवेग को रोक पाओगे, बताओ। क्या रोक पाओगे इतने आवेग को? नहीं रोक पाएंगे। जो रियल एनालिसिस है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। एक दो नहीं, कई सारे डिफरेंसेस है, बहुत सारे डिफरेंसेस है। सिमिलरिटी बहुत सारी चीजों में है। एक है डोमेन के ऊपर, डोमेन के ऊपर दोनों में डिफरेंस है। यहां भी डोमेन है, यहां कॉम्प्लेक्स में दो डोमेन है, पहली डोमेन दूसरी डोमेन। रियल में डोमेन की डेफिनेशन क्या थी? रियल में डेफिनेशन थी द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। क्या है? द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, ये डेफिनेशन है। यहां भी पहली डेफिनेशन तो वही है, जैसे एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर है, क्या है डोमेन? आर है, पूरा रियल नंबर है। फिर कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो आप यहां पर। अगर यही होता जी एक्स वन बाय एक्स होता तो डोमेन ऑफ जी क्या होती? आर माइनस जीरो होती, ठीक है, क्योंकि जीरो पे क्या है? नॉट डिफाइंड है। तो डोमेन का मतलब है जहां पर एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। हमने बहुत चर्चा की थी इसके ऊपर रियल में। कॉम्प्लेक्स में डोमेन क्या होती है? सेम, पहली डेफिनेशन तो सेम है। एग्जांपल जैसे एफ जेड है, जेड स्क्वायर लिया मैंने, क्या डोमेन है? सी। कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू डाल सकते हो आप, पूरी कॉम्प्लेक्स है, प्लेन है। अगर मैं इसी को कर दूं एफ जेड इक्वल टू वन बाई जेड तो क्या आएगी डोमेन एफ की? अब या जी कह लो इसको, क्योंकि डोमेन अब दो तरह से यूज होता है कॉम्प्लेक्स में। डोमेन ऑफ जी क्या है यहां पर? सी माइनस जीरो है, क्योंकि आपको जीरो डालना परमिट नहीं है, परमिशन नहीं है। दूसरी हम डोमेन कहते हैं किसको? ओपन सेट को प्लस कनेक्टेड सेट डोमेन कहते हैं। मैंने प्लस लगाया यहां पर, इसका मतलब क्या है? बोथ बोथ ओपन एंड कनेक्टेड सेट इज कॉल्ड डोमेन। दूसरी डेफिनेशन ये है, जबकि रियल में ऐसा नहीं है, जबकि रियल में ऐसा नहीं है, आर में ऐसा नहीं है, ठीक है। आर में सिर्फ एक ही डोमेन डिफाइंड है, कॉम्प्लेक्स में दो डोमेन डिफाइंड है, ठीक है। और नॉट नॉट डोमेन क्या होगी? आइदर नॉट ओपन और नॉट कनेक्टेड, क्या हो जाएगी? नॉट डोमेन। या तो आपको ओपन ना मिले सेट, या कनेक्टेड ना मिले, या दोनों ना मिले, तो वो क्या बनेगी? डोमेन नहीं बनेगी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में दूसरी डोमेन है, ये सेकंड डोमेन है ये वाली, जबकि रियल में एक ही डोमेन है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में डोमेन दो तरह से आती है, तो रियल और कॉम्प्लेक्स में एक बड़ा अंतर ये भी है, ठीक है। इसमें 10 बड़े अंतर छांट सकते हैं। रियल नंबर में कंपैरिजन होता है, जो प्रॉपर्टी थी वो कंपेयर करने वाली वो वैलिड है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में नहीं है।
दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंपेयर नहीं किए जा सकते। तो ऐसे है आपको 100 डिफरेंस मिल जाएंगे दोनों में, रियल और कॉम्प्लेक्स में 100 से भी ज्यादा, और सिमिलरिटी बहुत मिल जाएगी। ठीक है, अब नहीं नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ओपन नहीं है, कनेक्टेड ये है, कनेक्टेड तो है। हाँ, समझ आ गई बात? नॉट डोमेन, हाँ तो ये डोमेन नहीं है। अच्छा, अगर ये सेट होता, अगर ये फिगर होता, बाउंड्री के बगैर सर्कल है, सिर्फ इंटीरियर सर्कल है, तो ये डोमेन था, ये डोमेन है। ये सब डोमेन कनेक्टेड कैसे होगा? कनेक्टेड है, कोई पॉइंट उठाओ आप सेट के, उसी के अंदर लाई करेगी स्ट्रेट लाइन। अच्छा अच्छा, हाँ सर, बीच वाला पॉइंट है कुछ, ठीक है। सिंगल पीस में आई? जी जी सर, सिंगल पीस में है, बगैर बाउंड्री के है, ओपन इसलिए है, सिंगल पीस में इसलिए कनेक्टेड है, दोनों डेफिनेशन पूरी हो रही है, तो डोमेन है। क्योंकि जब हम स्क्वायर ज़लामा करते हैं ना, स्क्वायर ज़लामा सारी डेफिनेशन डोमेन के ऊपर है, लवली प्रिंसिपल करते हैं, ल्यूविले प्रिंसिपल बोलते हैं जिसको हम, सारी डेफिनेशन डोमेन के ऊपर है, तो वहां डोमेन को ये समझा जाए ओपन और कनेक्टेड सेट है, जब भी कॉम्प्लेक्स में डोमेन दे रहा है। ठीक है, लेस देन 4 है, ये सेट है। ठीक है, समझिए, आप ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन वही पूछेगा, ओपन है ये, क्लोज है ये, बाउंडेड है ये, कॉम्पैक्ट है ये। अच्छा, कॉम्पैक्ट क्या होता है आर स्क्वायर में या सी में? इफ एंड ओनली इफ होता है, कॉम्पैक्ट होता है इफ एंड ओनली इफ क्लोज्ड प्लस बाउंडेड। तो नॉट कॉम्पैक्ट होगा इफ एंड ओनली इफ आइदर नॉट क्लोज और नॉट बाउंडेड, क्योंकि सी में और आर स्क्वायर में यही काम चलेगा। ये चल रहा है किस में? सी में या आर स्क्वायर में, सेम प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर पूछेगा कन्वेक्स है जी ये, फिर पूछेगा कनेक्टेड है ये, बोलो एक साथ देखो कितने शब्द आ गए आज, कल तक हमारे पास कुछ भी शब्द वाली नहीं थी, आज कितने वर्ड्स हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को देखनी है, इस इक्वेशन को, ये सेट बनाया हुआ है, सेट के बारे में, एस के बारे में क्वेश्चन है, तो पहले इसको देखो, टू लेस देन रियल पार्ट ऑफ जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई, तो क्या बनेगा? एक्स माइनस वन प्लस आई वाई लेस देन फोर। इसका रियल पार्ट कितना बनेगा? एक्स माइनस वन, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स माइनस वन टू और फोर के बीच में है, एक्स किस किस के बीच में होगा? वन ऐड कर दो, वन ऐड करेंगे तो थ्री और फाइव के बीच में होगा, एक्स तो थ्री और फाइव के बीच में है, वाई वाई यहां फ्री है, कुछ मर्जी ले ले, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं, मतलब आर स्क्वायर में कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये बनाया, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाया, एक्स तीन और पांच के बीच में, आजकल तो ये नाइन टेंथ में चीजें आ गई हैं, प्लस वन प्लस टू में तो पहले होती थी। इसका अगर डायग्राम बनाना हो, मतलब एक थ्री पर ओपन लाइन एक्स थ्री, एक फाइव पर ओपन लाइन ये, अब हमें देखना है कि कहां का पोर्शन आएगा, तो डायग्राम की इंपोर्टेंस है इसमें। ठीक है, कहां का आएगा? टेस्ट पॉइंट लगाओ, और टेस्ट पॉइंट सबसे आसान ये होता है, टेस्ट पॉइंट और रीजन। तो क्या जीरो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? क्या कर रहा है जीरो इसको सेटिस्फाई? ठीक है,
क्या कर रहा है बताओ। कौन सा प्रश्न आएगा? कौन सा पोर्शन आएगा बता सकते हो? सर बाहर का पोर्शन आ जाएगा, बीच का सर उधर जाएगा, बाहर की तरफ चले जाएगा। हाँ मैंने लाइन गलत बना दी, लाइन गलत बना दी। पॉजिटिव साइड ही रहेगी, नीचे थोड़ी आ जाएगी। हाँ नीचे भी नहीं आएगी। मैंने गलत बना दी कि एक्स थ्री ये बनेगी लाइन आपकी, ये बनेगी x3 और 5। सर ये नीचे तक जाएगा, ले लो एक टेस्ट पॉइंट 4 ले लो। y तो अनबाउंडेड y के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, ये आएगा, ये आएगा, पट्टी आएगी पूरी। यस सर ठीक है। अगर मैं इसको अलग से बनाऊं, ये पट्टी बनेगी प्लेन में, ये पट्टी, ये पूरी ठीक है। कैसा है ये? ओपन है, क्लोज तो नहीं है क्योंकि बगैर बाउंड्री के है, बाउंडेड है ये ना। कोई ऐसी डिस्क बनी है जिसमें समा जाएगा ये? नहीं। अब क्लोज नहीं है तो कॉम्पैक्ट भी नहीं है। क्या कन्वेक्स है? हाँ कन्वेक्स ही होगा, किन्हीं दो पॉइंट से ज्यादा कनेक्टेड भी है, ये सिंगल पीस में है। समझ में आ रहा है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका आर्ग्यूमेंट है ग्रेटर देन जीरो आता है, ठीक है, और लेस देन आता है पाई बाय फोर, ठीक है, या इक्वल भी ले सकते हैं, इक्वल भी ले सकते हैं। मैं अलग अलग केस लेके बताता हूं। मान लो यहां रख दिया मैंने इक्वल, ठीक है, तो उन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर की कलेक्शन करनी है जिनका आर्ग्यूमेंट क्या है, जीरो और पाई बाय फोर के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, वो वाई एक्सिस है, तो पाई बाय फोर, पाई बाय फोर तो ये बनता है लगभग पाई बाय फोर, ठीक है। यहां इक्वलिटी लेंगे, जीरो पे क्या करेंगे हम, देखो पाई बाय फोर पे तो रेड लाइन खींच लेंगे ये, और जीरो पे क्या लेंगे हम, डॉटेड लाइन लेंगे, ये लाइन लेंगे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट है इनके बीच में रहना चाहिए, मतलब ये 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 ये, तो ये पोर्शन बनेगा आपका इसमें। मतलब आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, थीटा, थीटा किस किस के बीच में रहना चाहिए, जीरो और पाई बाय फोर के बीच में, उन कॉम्प्लेक्स नंबर की कलेक्शन बतानी है। तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है यही होंगे, ठीक है, समझ आ रही है बात? हाँ जी समझ आ रही है, क्योंकि पाई बाय फोर आर्ग्यूमेंट उन्हीं का होगा ना जो वाई इक्वल टू एक्स एक्स लाइन पे लाई करते हैं। हेलो सर, इस लाइन पे लाई करते हैं, उन सबका आर्ग्यूमेंट कितना होगा, पाई बाय फोर होगा ना। हाँ जी बोलिए सर। एक क्वेश्चन पेज थ्री में तीसरा का दूसरा हम बना रहे थे तो उसका आंसर नहीं आ रहा था, आएगा वन बाय फोर, माइनस वन बाय फोर और माइनस आई बाय फोर हो रहा था आंसर। क्या आई बाय फोर, तो वहां से आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहा, रेशनलाइज करने के बाद जो आ रही है उसको आगे नहीं बना पा रहा सर। कौन सा क्वेश्चन है? पेज नंबर थ्री का तीसरा, i माइनस आई एक्स इक्वल टू ए प्लस आई बी,
इसके बराबर हो जाएगा आई की फाइव होता है, आई होता आई के बराबर होता है, तो ये हो गया आई वाई माइनस आई एक्स इक्वल टू ए प्लस आई बी। आई को नीचे ले आओ, आई को नीचे ले आए तो ये बाई में आ गया, बाई में से इसको ऊपर पहुंचा दो, ऊपर पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आई ए प्लस आई बी, तो ये आ गया। इसका कंजुगेट ले दो, सही कहा आपने, फाइव को ऐसे रहने दो, ठीक है, क्योंकि कंजुगेट अंदर चला जाएगा। इसका कंजुगेट क्या हो गया, आई ए माइनस आई बी, हो गया सॉल्व। इस तरह बराबर आएगा ये पी, प्लेस चेंज नहीं हुआ सर, प्लेस क्या, देखिए एक्स प्लस आई वाई है, ये वाई प्लस आई एक्स है, फिर यही तो पूछ रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ पे यही पूछ रहा है, ठीक है, आंसर ये नहीं दे रहा है सर, और आंसर ए प्लस बी आई दे रहा है, सेम सेम ए प्लस बी आई, वाई प्लस आई एक्स होगा ना सर, क्या सही है सर ये हम लगा रहे थे सर, इसमें थोड़ा सा हमारा गलती हो गया। आप फर्स्ट का क्या आंसर है मैट्रिक्स स्पेस वाले का, ना लैम्डा को जीरो नहीं लेते सर, अगर सर हम लैम्डा को जीरो नहीं लेते तो सर एक्स एक्स पुट करेंगे तो वो जीरो देगा ही नहीं। हाँ यस, तो सर इस थर्ड आ गया सर सी, हाँ सी आएगा इसका, क्योंकि लैम्डा को जीरो लेना कंपलसरी है, अगर हम लैम्डा को लेते हैं पॉजिटिव गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि d2 x x जीरो नहीं आएगा, छोड़कर फिर जीरो आएगा, सही बात है। अच्छा लॉजिक है सर, क्वेश्चन में सिर्फ d1 d2 के बारे में पूछा है ना तो, हाँ सर, और लैम्डा अगर ऐड हो रहा हो किसी मीट्रिक में वो तभी बनेगी जब जीरो होगा, अदरवाइज वो जीरो नहीं बनेगी। अच्छा और आई की, आई की वैल्यू कितनी होगी सर, बी और डी आएगा इसका आंसर, हाँ डी भी आएगा और डी भी आएगा ना सर, बी और डी सर, बी हाँ बी और डी आ रहा है सर, बी और डी, बी और डी, क्योंकि इसकी पोलर फॉर्म लिख लो बस, हाँ सर सेकेंड वाले की ना, तो सर ई रेस टू द पावर माइनस फाइव बाई टू तो आ रही है, हाँ क्योंकि आई की पावर फॉर्म क्या होती है, ई की पावर बाय टू आई, कोस पाई बाय टू प्लस आईटा साइन पाई बाय टू, हाँ, और उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आई है सर, ये नहीं हुआ सर, पर ये सर थ्री बाय टू आई है, थ्री बाय टू आई है सर, सर थ्री बाय टू आई है इसकी, थ्री बाय टू सही है, जिनकी थ्री बाय टू आई है सर, बताओ मतलब की फिर हमने कर दिया मोड जेड प्लस वन बाय टू माइनस वन बाय टू कर दिया सर, फिर लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय टू हो गया सर, फिर नीचे से टू रख दिया, फिर सर इस साइड ले गई मैं वो टू को, थ्री बाय टू आ गया, ऐसे भी कर ले चाहे नहीं, ग्रेटर इक्वल टू बताओ सर, यहाँ पे ये ऐसे आ गया, हाँ ये ऐसे आ गया सर, जैसे आपने सोल्व किया है, तो इसको ऐसे कैसे करेंगे, ऐसे कैसे कहा आ गया ये सर, देखो और क्या सर कैसे आया, और देखो देखो बात टू, यानी ये क्या लिख सकता हूं मैं, हाफ, ठीक है, अब मुझे पता है मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड जेड कितनी है, टू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड जेड प्लस हाफ कितनी होगी, टू प्लस हाफ होगी, फाइव बाय टू होगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ है मोड जेड प्लस हाफ डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम का नहीं पता मुझे, इसकी छोटी वैल्यू पता है, मुझे इसकी छोटी वैल्यू पता है, सबसे छोटी वैल्यू पता है,
तो जो इसकी सबसे छोटी वैल्यू होगी ये चीज उससे भी लेस है या उसके इक्वल है, तो वही तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी, ठीक है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू वही तो बनेगी जो इसकी सबसे छोटी वैल्यू होगी, जिसे सबसे स्मॉल वैल्यू आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, ये उससे लेस देन इक्वल टू है ना, 5/2 आ जाएगी। कंपैरिजन नहीं करना होगा इसमें, समझ आ रही बात? हाँ जी सर, सर आपके लिए आ गई। हाँ जी सर। अकबर सर जो आपने क्वेश्चन दिया था उसका बी माइनस ए आई आंसर है क्या? तो यहाँ से आप क्या निकालो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो सर। तो इसकी मिनिमम वैल्यू